दादाश्री हेलो। अच्छा ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ठीक लगता है। संदीप श्रुति आपने किया है क्या असाइनमेंट कल का? सर। बर मेरा ले मला क्या प्रॉब्लम। हो बर चालते कॉन्ग्रेस। यस यस कॉन्ग्रेचुलेशन। संदीप श्रुति अकेले का नहीं था? थोड़ा कर डिसाइड किया है टारगेट ऑडियंस ला, टारगेट ऑडियंस नहीं दे रहा हूँ, बाकी बहुत ही मुझमें का वर्किंग है। अच्छा ठीक है, आज फ्राइडे है ना, और आपका असाइनमेंट यही है। ठीक है कुणाल नहीं कर पाया। संदीप व्हाट अबाउट यू? श्रुति भी नहीं कर पाई। कुणाल ठीक है, तो आपको यही असाइनमेंट ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर कंपेटिटर्स, जो आपके ब्रांड जो आपने सिलेक्ट किए हैं ना। जैसे नारदा का प्लम है राइट, Yes. नारदा का प्लम है, अनुजा का है लॉरियल। धनुष आपने ब्रांड को सिलेक्ट किया है क्या? हेलो धनुष्री, ठीक है धनुष चैट करो आप। संदीप ठीक है, धनुष इज गोना चैट। कौन यहाँ पे ऑडियो पे बात कर सकता है? कुणाल व्हाट अबाउट, अरे सब लोग चैट पे ही बात कर रहे हैं क्या? ठीक है एवरीवन सिलेक्ट योर ब्रांड, फाइंड आउट द कंपेटिटर्स एंड लेट मी नो। ठीक है हाँ या एक कंटेंट का असाइनमेंट आगे जा आगे नहीं जाएगा तो मतलब ही नहीं है। व्हाट इज सोशल मीडिया वर्क इफ इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन कंटेंट राइट? हवे ना राइट तो ना बंद करो कहीं पर। तो बंद फैन बंद तो करा था क्या? क्या कर दिया था ना ठीक है ना, तो आता लगेज बंद करा था थोड़ा बंद बयान। ठीक है देखो, हमने कल देखा है कि कैसे फेसबुक पे हम लोग पेज क्रिएट करते हैं। आईडी वेरिफिकेशन भी देख लिया हमने, हमने सेटिंग में आके इम्पोर्टेंट चीज देखी, कैसे एक्सेस देते हैं, कैसे यूजर आईडी क्रिएट करते हैं, कैसे पेज डिलीट करते हैं, एंड हाउ वी कनेक्ट आर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप टू आर फेसबुक। उसके बाद मैंने आपको मेटा बिजनेस सूट भी दिखाया राइट। सो टेक्निकल पार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा वी आर गोना लर्न हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन पेजेस एंड यूट्यूब अकाउंट हम क्रिएट करने वाले हैं। यूट्यूब अकाउंट पे जो मेजर चीजें हैं वो भी हम देखने वाले हैं। बट टुडे यू हैव टू वर्क ऑन द कंटेंट। ठीक है, आज का आपका सबका काम कंटेंट के ऊपर काम करना है। सो धनश्री, इफ इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन डू योर रिसर्च राइट, यू कैन जस्ट डू रिसर्च। एचएलएम का कंप्यूटर कौन है? जारा है, और कौन है? तीन चार कंप्यूटर निकालना है आपको। ठीक है सो कुणाल संदीप एंड श्रुति यू गाइज डू इट।
एंड यहाँ पे अभिषेक ने अनुदा एंड अनुजा इज देयर, यू गाइस आल्सो डू इट ठीक है। निकाल दिया ना ठीक है। तो क्या है आपका टारगेट ऑडियंस? ना, इट पर्सनल ठीक है, मैंगो भी है ठीक है। शनेल और सो टारगेट ऑडियंस क्या है आपका? बताया मैंने बराबर है, टीनेज से लेके 50 ईयर्स तक इज द राइट। हेयर कलर सभी करते हैं टेंस ऑफ ऑनली हेयर से रिलेटेड 10% हाँ अभी क्या, चार चार साल के बच्चे भी दे हैव ग्रे हेयर राइट, 5 या 6 ईयर्स के तौर से ग्रे हेयर ना। अभिषेक तेरे कंप्यूटर्स तूने डिसाइड किए, तेरा टारगेट ऑडियंस भी मालूम है तेरे को बराबर। नाइकी एडिडास रीबुक स्केचर्स और स्नीकर्स ब्रांड है क्या स्नीकर्स करके? शिव आपने क्या सेलेक्ट किया? ठीक है, श्रुतियस कैल्विन क्लाइन कंप्यूटर्स गुची वर्सा राल्फ लॉरेन। श्रुति इज गोना बी इंटरेस्टिंग हाउ यू गोना डू दिस। टारगेट ऑडियंस में और एक चीज आती है, सिर्फ एज आता है क्या? और नहीं क्या क्या आता है? क्लास क्लास भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टिकट साइज क्या आपके प्रोडक्ट का? नहीं लेट्स से मैं 100 रुपये का हेयर कलर यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं ना, 1000 रुपये कर सकता हूँ? नहीं, 1000 रुपये का हेयर कलर क्यों यूज करूंगा ना। क्योंकि उसकी क्वालिटी इसलिए ठीक है, बट वाई विल आई चूज 1000 रुपीज हेयर कलर वेन देर इज 100 रुपीज का हेयर कलर? मेरा ड्यूटी क्या भाई, हम लड़के हम हर एक महीने में बाल काटते हैं, वो भी 20 दिन में एक बार, है ना? ये कल ही करके आया हेयर कट, है ना, कह रहे हेयर कट। देख तो इमेजिन करो, 1000 रुपये का साइकिल हर 20 दिन के लिए या 40 दिन के लिए। बट लेट्स से अभी ठीक है, अभी मैं तो गरीब इंसान हूँ, बट लेट्स से कि कोई अमीर इंसान है तो वो सोचेगा 1000 रुपये 100 रुपये। तो वेन एवर यू आर डिसाइडिंग एनी प्रोडक्ट, ठीक है, लेट्स से कि ठीक है यार, कोई म्यू अनम्यूट करके बात नहीं कर सकते क्या? श्रुति इवन यू आर नॉट एबल टू टॉक, सब लोग चैट पे ही बात कर रहे हैं। श्रुति संदीप कुणाल धनश्री आई कैन अंडरस्टैंड, बड़ा बड़ा दोस्त। अदर्स व्हाट अबाउट यू ऑल? संदीप कुणाल, कुणाल आप तो बात कर रहे थे ना। यस सर, आपने कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया है? सर मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ इसीलिए मैं अभी खाली देख रहा हूँ अच्छा नहीं, वो सेशन। यू हैव टू सिलेक्ट अ ब्रांड फॉर हाँ विच यू हैव टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग।
ओके हर एक, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन असाइनमेंट, तो हर किसी ने अपना एक ब्रांड सिलेक्ट किया है और ब्रांड के कंपेटिटर्स ढूंढ के निकाले और टारगेट ऑडियंस ढूंढ के निकाले। तो वी आर टुडे डूइंग एन असाइनमेंट ऑन दैट। आज ओके हम लोग असाइनमेंट करने वाले हैं ऑन ब्रांड एंड देयर ओवरऑल सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, ठीक है? तो ओके हमने कल अकाउंट सेटअप्स सीखा है, राइट? हाँ आज हम सर लोग कॉन्टेंट में आगे जा रहे हैं ताकि आपको सैटरडे संडे टाइम मिले एंड यू कैन वर्क मोर ऑन द कंटेंट पार्ट। ठीक है, सोशल ओके सर मीडिया मतलब कुछ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि देखो आपका एसईओ में काम कर रहे हैं ना, ठीक है? हाँ सर अगेन अटेंशन, इफ यू वर्किंग इन एसईओ व्हाट इज गोना बी इंपॉर्टेंट, योर एबिलिटी टू हैंडल ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड गेटिंग द वर्क डन, राइट? अगर आपने कीवर्ड सही से ऐड कर दिए, आपने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, आपने सारे पेजेस का ऑडिट किया है, आपके वेबसाइट के ऊपर ब्रोकन लिंक्स नहीं है, ठीक है, आपका सर्वर अच्छा है, आपके डोमेन का डीएपीए अच्छा है, तो आपका वेबसाइट रैंक करेगा, यस, राइट? तो अच्छा ये इट्स लाइक अ फॉर्मूला, यू डू दिस यू गेट दैट, बट सोशल मीडिया में आपको लगता है ऐसा है? कितने लोग कंटेंट बना रहे हैं आपके टाइम पे और कितने लोग का कंटेंट सक्सेसफुल हो रहा है? बहुत कम, राइट? क्यों हो रहा है कम इतने लोगों का? क्योंकि दे हैव बीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली एंड इसलिए सोशल मीडिया में आप पेज बना लो, अकाउंट बना लो, मैं आपको पूरा टेक्निकलिटी समझा दूंगा, बट व्हाट इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट? या कंटेंट के बारे में आपको मालूम ही है, आपका सोशल मीडिया कुछ काम का है क्या? है कुछ काम का? दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द कंटेंट पार्ट। सो कुनाल ये एसईओ को सिलेक्ट द ब्रांड एंड दैट ब्रांड्स टारगेट ऑडियंस एंड कंपेटिटर्स। ओके ऑल राइट श्रुति, नो वरीज, ठीक है। संदीप आप भी नहीं बोल पा, संदीप और श्रुति एक ही कॉलेज से, ठीक है? संदीप और श्रुति एंड दर्शन ब्रांड एंड डू दिस कंपेटिटिव, ठीक है? अभी हमें करना क्या है? तू भी कर ले, तेरा टारगेट ऑडियंस क्या है? एज 25, 25, 22, 20 to 30, सच में 12 लाख? चल यार, ना पुमा एडिडास का क्या लगता है टारगेट ऑडियंस क्या होगा, क्या एज होगा? पुमा एडिडास नाइकी हाँ ये ब्रांड्स हैं, इनका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? देते यस हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स होता है स्पोर्ट्स ना, एंड 50 8-9 साल के बच्चे, 7 years फ्रॉम 8 years से लेके 65 तक। मैं दादाजी भी पहनते हैं ब्रो वॉकिंग के टाइम पे नाइकी एडिडास। इट इज आजकल जूते अगर कोई पहन रहा है ना वॉकिंग रनिंग स्पोर्ट्स के लिए, फिर 3-4 ब्रांड की पहन रहा है और कोई नहीं पहन रहा कुछ, क्योंकि सब लोग इजीली स्पेंड कर सकते हैं पुणे में रह के, आए ना। सो 20 से 30 कैसे कर सकते हैं? लॉजिकल विचार कर रहा है एक्चुअली, रेट में लगा क्या है एक्चुअली, मुझे लोग को ऑफर चल रहा, तुम्हारा तो नवाब ऑब्जर्वेशन असल ना हॉट नहीं होता तो फिर भी सामने तो कि माता विचार में ना बोलो सीधे कॉमन सेंस ऑफर दूसरा डेज ऑफर कि हाँ ब्रांड है मैं मुझे काम कर रहा हूँ क्या कर सकता हूँ ब्रांड के साथ, ठीक है? ठीक है, भाग्यश्री इज ऑल्सो एबल, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज बोलिए आलोना है कि टारगेट ऑडियंस में सिर्फ एज मैटर नहीं करता, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, कभी कभी जेंडर मैटर करेगा, यस करेगा ना? कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जेंडर स्पेसिफिक जी सर, है? रेजर, परफेक्ट,
पर नाउ डेज यार रीजन्स फॉर बहुत महंगा मिल रहा है, रबर बैंड्स, ज्वेलरी, मोस्टली बोन बैग्स 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 या हैंड बैग्स है ना, ये जेंडर स्पेसिफिक। तो एज आता है, जेंडर आता है, बाद में एरिया भी आता है। कुछ चीजें आप कुछ एरिया के लोगों को ही बेच सकते हो, आया राइट ना। लेट्स से पुणे में सब कॉलेज स्टूडेंट थे, आई गो टू सम गांव, क्या मैं वहां पर मैकडॉनल्ड्स खोल सकता हूँ? किसी गांव में कोई खरीदेगा मैकडॉनल्ड्स? लगता है आपको 170 रुपये में आपको लगता है कोई मील करेगा? गांव में 200 रुपये की मील करेगा? लगता है 200 रुपये उनका हफ्ता हफ्ते भर का राशन हो जाएगा गांव में? हाँ, 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूं बन गया, रोटी और ये राइस बराबर है कि नहीं? गांव वाले लोग बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। सो डू यू थिंक एरिया भी मैटर करेगा, उसके आगे क्या मैटर करेगा? लाइफ स्टाइल, लक्ष्य कि अनुजा का लाइफ स्टाइल है, मेरा लाइफ स्टाइल है कि हम लोग बाहर खाना खाते बराबर, तो हम लोग रेस्टोरेंट्स के लिए काफी अच्छा टारगेट ऑडियंस है हम लोग। ये सब जैसे कि नियाडा इज अ टिपिकल जनसी, तो बॉम्बर्स कॉर्नर के लिए, बर्गर बेकरी के लिए नियाडा इज अ परफेक्ट, यस द सोल स्टोर, नियाडा इज अ परफेक्ट कस्टमर राइट। सो यही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग कि आपका टारगेट ऑडियंस इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एज, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। चालू कर तू बुक के, क्यों जो मोबाइल पर नोट्स होने चालू कर, रिसर्च करना चालू कर दो। ठीक है, पोमा टारगेट ऑडियंस आर मेन एंड वुमेन एजेस 15 to 50, कस्टमर विद मीडियम इनकम, पोमा कंपेरेटर्स नाइकी एडिडास। अच्छा ठीक है, चलो पुमा का दो लोग कर रहे हैं, कुणाल है ना अभिषेक, करो दोनों, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक अरे और ये सारे कॉम्पिटिटर खरीद रहे हैं जो अपन ब्रांड से लिख के लगे सकते एक्सक्यूज मी सर, या और क्या करना है इसमें? हाँ, कंपेरेटर्स और टारगेट ऑडियंस ढूंढना है पहले, वो अगर ढूंढ के हो गया तो पूरे ब्रांड के चारों प्लेटफॉर्म्स पे आपको कंटेंट ऑब्जर्व करना है कि लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ब्रांड क्या कर रहे हैं, और उसका एक अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना है। और उसके बाद आज का असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू कम अप विद आइडियाज फॉर द ब्रांड, और मैं आपको एक आधे घंटे में बताऊंगा टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या होते हैं, या 15 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन हाउ यू गाइज डू योर असाइनमेंट। बट वंस यू आर रेडी विथ ऑब्जर्विंग द कॉन्टेंट लेट मी नो, मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट, टाइप्स ऑफ पोस्ट बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। भाग्यश्री, अच्छा
जिन जिन लोग का टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करके हो चुका है, कंपेटिटर सिलेक्ट करके हो चुके हैं, दे कैन स्टार्ट विथ कमिंग अप विथ आइडियाज टू प्रमोट एडवर्टाइज एंड प्रेजेंट द ब्रांड. ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है, प्रेजेंट करना है, उसके लिए आइडियाज के ऊपर काम करो. अभिषेक राय लग रहा नहीं, ये बात नहीं है. अच्छा, अपने तो कुटे चांगले थे, हेयर कट, हेयर कट कुटे चांगले. अच्छा, करूँगा भाग्यश्री, धनश्री, धनश्री, कुणाल क्या स्टेटस है भाई? देख रहा हूँ सर। कुणाल भाई क्या स्टेटस है? कुणाल, भाग्यश्री, धनश्री, श्रुति, संदीप.
ऑलराइट श्रुति, आपने जो कैल्विन क्लाइन के लिए बोला है, वी कैन अप्रोच बिग सेलिब्रिटीज विद वेरी गुड ब्रांड इमेज, एस्पेशली दो सेलिब्रिटीज हु आर इन द पीक राइट नाउ. आई थिंक हु, व्हाट डू यू थिंक, अभी कैल्विन क्लाइन है, हु डू यू थिंक कैन बी लाइक अ बिग कैल्विन क्लाइन एम्बेसडर? मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा नाम है. कैल्विन क्लाइन कौन पहनते यूजली? कैल्विन क्लाइन कौन पहनता है यूजली, कौन लोग पहनते हैं? बड़े बड़े लोग, ठीक है, रिच. लोग मुझे लगता है ऑरी वाला, मैं ऑरी आपको, ऑरी कैन बी गुड कैल्विन क्लाइन एम्बेसडर, क्या लगता है सबको? ऑरी क्योंकि क्यों पता है, ही इज वायरल ऑन द इंटरनेट. वो अभी कुछ भी कर रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, वो चीज वायरल हो रही है. तो इमेजिन ऑरी वेयरिंग कैल्विन क्लाइन. और आपको मालूम है क्या, ऐसे जीन्स आते हैं कि जो ऐसे फोल्डेड होते हैं काइंड ऑफ, दो जीन्स आर मेड इन सच ए वे दैट इनर वेयर शुड बी विजिबल. देखा आपने, ऐसे फोल्डेड आसान नहीं, उसका बटन भी अलग होता है. इट लुक्स लाइक दैट जीन्स हैज बीन केप्ट ओपन, जो बटन हैज बीन किया ऐसे लगता है, बट रियलिटी ऐसा नहीं, उन्होंने बनाया जीन्स में सब, तो उसके अंदर भी सीके का ब्रांड दिखता है. ठीक है, या फोल्डेबल पैंट्स, बैगी जीन्स, ये श्रुति. और ही कैन बी अ गुड एम्बेसडर राइट, कैल्विन क्लाइन. और कौन है ऐसा जो वर्थ है कैल्विन क्लाइन का एम्बेसडर बनने का? इन फीमेल कैन सुहाना खान भी? नहीं, नहीं, इंडिया में बात कर, कालीजाई ऑलरेडी है उनके, हमने देखा ना कल. क्या कॉन्फिडेंस डर्मा, कौन सा प्रोडक्ट लेगा ना, डर्मा, डर्मा दैट शी कैन प्रमोट, डर्माटोलॉजी. उर्फी जावेद, उससे डेंजरस तो ये बाबा राखी सावंत है. राखी सावंत उससे भी डेंजरस, उसने पूरा फेस का प्लास्टिक सर्जरी करके लिया, पूरा का पूरा फेस. फॉर्मूले वही बोला मैं, फॉर्म वाले लोग देखो. दीपिका पादुकोण नहीं करेगी रे, दीपिका पादुकोण कैसे ना, वो अपना पीआर, ब्रांड इमेज, दो तीन आने वाली मूवीज, 5 6 साल का ट्रेजेक्टरी सोच के काम करते हैं वो लोग. या मैरिड है, आई एम गोना हैव अ बेबी, सो सोच के काम करते हैं. जैसे कि आलिया भट्ट ने क्या किया, शी डिड अ टाई अप विद अंबानीज डॉटर एंड दे लॉन्च अ न्यू ब्रांड फॉर बेबीज. देखा आपने, राइट? तो ऐसा सोचते हैं लोग, ये लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं. तो आपको ऐसा कोई देखना है कि जो यंग है, आई कैन ऑल्सो अप्रोच शाहरुख खान सन राइट. बट वो इंडस्ट्री में नहीं है और वो इतना चर्चा में नहीं. और ही इज लाइक द बिग प्लेयर, और ही मतलब बहुत बड़ा आदमी है. वो फिर रात के साथ जाएगी नहीं, बिकॉज शी कम्स इनटू क्रिंज कंटेंट. ये ब्रांड को अपना इमेज रखना है. देखो उर्फी जावेद है ना, पीपल बड़े लोग उसको देखते भी नहीं है. कैल्विन क्लाइन का अंडरवेयर होगा 2 3 हजार का, एक 3 हजार रुपये से आगे होगा. बिल्कुल अजुन मांगे ना, कितनी है? अभी बता देगा 3 हजार रुपये को एक.
वहां पर 19 डॉलर्स का बॉक्सर है मतलब। तो आई थी आई फील पर्सनली और ही है, और कोई जो फीमेल चूज करो, उर्फी जावेद कांट भी, समवन एल्स हु इज यंग प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग, उसका ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। सुहाना खान के जैसे और कौन है? सर अरे फर्नीचर वाला, इब्राहिम खान, सैफ अली हाँ खान सन, कौन? इब्राहिम खान, इब्राहिम सैफ अली खान सन। ओ यार, बट या आई एम टॉकिंग कियारा आडवाणी और अबाउट गर्ल। अ गर्ल, हाँ, रश्मिका इंडस्ट्री इज कल्चरली Anyone else? अभी कपूर, जानवी कपूर, पांडे, शिवम, शिव मैरिड टू श्रीमती, सर जानवी अनिल कपूर, कपूर, सर जानवी कपूर, नॉट अनिल। जानवी कपूर इज अ गुड गुड आइडिया। सारा अली खान, जानवी कपूर, बोथ ऑफ देम आर द सेम एज ना। सारा तेंदुलकर, ओ यस, परफेक्ट, बट अ फादर इन लॉ। सारा तेंदुलकर इज एक्चुअली अ वेरी गुड आंसर, मतलब थॉट प्रोसेस के लिए 2000 मार्क्स। थैंक यू सर। तो ये कौन था, धनश्री या? धनश्री, या सारा टेंडुलकर इज परफेक्ट एंड शी वांट्स टू बी इन लाइमलाइट। पलक तिवारी, पलक तिवारी कौन है? और श्वेता तिवारी की बेटी है। सर एक्चुअली सारा तेंदुलकर इटसेल्फ हैव अ ब्रांड। सारा टेंडुलकर यस, बट शी विल नॉट डू द शूट। कृतिका सेनन, ओके, सारा टेंडुलकर इज, सारा टेंडुलकर इज कृति नॉट अ मॉडल, शी इज जस्ट द इन्फ्लुएंसर। मॉडल्स हैव, सर, वो ये इसे मॉडल इन्फ्लुएंसर ऐसे भी नहीं नहीं। दिखते। सारा कृति सेनन, यू कैन टेक अ ब्रांड टर्नओवर एम्बेसडर फॉर, बट हाउ मच टाइम। दिशा पटानी, यस आई थिंक शी हैज बीन अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर कैल्विन क्लेन। सो शी इज ऑलरेडी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर कैल्विन क्लेन आई गेस। दिशा पटानी इज आल्सो वन ऑफ द ALAY क्या अलग एफ ये है कौन? मगर मतलब पूजा बड़ी की बेटी, शी इज अ एक्ट्रेस, सैफ अली खान की बेटी नहीं सैफ अली खान की बेटी, सारा अली खान। नहीं, बट पूजा बेदी वाज मैरिड टू सैफ अली खान। ओके, संजना मिनाज बनने सांघी, चलो। अमृता सिंह सर, संजना सांघी इज आल्सो, शी इज आल्सो वेरी गुड। इंस्टा या शी कैन बी अलाया, यस परफेक्ट, अरे शी इज परफेक्ट फॉर द ब्रांड।
मूवी में है क्या? कौन सा ये हाँ कौन से? सभी फंस के सभी पूरी की है और मैंने नेटफ्लिक्स पे देख ली थी कौन सी मूवी नाम याद नहीं comfortable. So I think I'm gonna do this cute little jumpsuity vibe. You guys can see it. I don't have time to adjust the camera, but it's like these are pants. Okay. Okay. I'm just gonna do a transition. Okay. So this is it. With a very bad transition. I'm sorry about the transition. I know it was a really bad one. Okay. Good idea. Sir, Banita Sandhu. Yeah. बनीता सांधु वनिता साधु बी बनीता बनीता बराबर क्या ये ना? हाँ सर क्या ओ यस शी इज अ बेटर अभी जो रिसेंट पॉपुलर हुई है वो एनिमल है रश्मि का ओ या 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 हाँ दीप्ति दीप्ति शहनाज गिल. शहनाज गिल नहीं रहे. शहनाज नहीं. दे आर मोर ऑन द ओल्डर साइड. कैल्विन क्लाइन वांट्स फ्रेश पीपल जैसे कि 21 19 बार. हाँ हाँ ठीक है. बट दिस इज अ गुड इंटरेक्शन. सब लोग अच्छे अच्छे नाम लिखे आ रहे हैं. इवन दिस बनीता संधू इज ऑल्सो वेरी गुड. देखो एक बार अपना ब्रांड छोड़ के सब लोग कैल्विन क्लाइन के पीछे पड़े. कैल्विन क्लाइन इज द थिंग. सी वी नो सो मच अबाउट पीपल दैट वी वांट टू बाय देन व्हाट वी कुड बाय राइट. यस कौन सर बोल रहा है? जैकलिन फर्नांडिस जैकलीन अगेन शी इज ऑन द ओल्डर साइड नाउ. पारा सुतारिया हाँ या यस परफेक्ट. तारा सुतारिया बाद में अपना अलाया फर्नीचर वाला एंड दिस बनीता. थ्री आर द पीपल हु यू कैन अप्रोच. तीनों में से जो अग्री करेगा उसे ले लो. अनीशा पादुकोण अनिशा पदुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण की सिस्टर गोल्फ अच्छा No, but she is not. she's a sport person so No, no, no. She is not a model at all. Not even in face. बट या नॉट इज ऑल्सो पॉपुलर. या वी सॉ ऑरी बाद में वी सॉ बनीता वी सॉ अलाया एंड वी सॉ तारा सुतारिया. तो ये चार लोग हैं एंड ऑल्सो सैफ अली खान दिस सन इब्राहिम राइट. इब्राहिम अली खान
ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ पोस्ट बोलता हूँ मैं, क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ पोस्ट। ठीक है, सबसे पहला टाइप तो आपका ब्रांड का प्रोडक्ट या फिर सर्विस। जैसे आप कपड़े के ब्रांड हो तो आपके कपड़े, या अगर आप सर्विस हो एजुकेशन, तो आप बात करोगे आपके क्वालिटी के बारे में, राइट। अगर आप एक सर्विस हो, एजुकेशन हो गया, डिलीवरी हो गया, यू टॉक अबाउट योर सर्विस थ्रू व्हाट, टेस्टिमोनियल्स, थ्रू योर वैल्यूज, थ्रू योर रिकॉर्ड्स, थ्रू योर नंबर्स, एंड इफ देयर इज अ प्रोडक्ट यू विल टॉक अबाउट क्वालिटी एंड इनोवेशन, राइट। तो पहला टाइप ऑफ पोस्ट है यू आर क्रिएटिंग अ पोस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, ठीक है, दैट इज वन टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट सॉरी पोस्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट मार्केटिंग। व्हाट्स हैपनिंग करंटली, राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग, उसके ऊपर एड बनाना, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट का चल रहा है विंटर सेशन, ठीक है, या फिर जैसे कि इट्स अ हॉलीडे टाइम, राइट, सब लोग हॉलीडेज लेते हैं, राइट। सो हॉलीडे सीजन चालू है तो क्या करेंगे, तो बहुत सारे ब्रांड्स कैन रन देयर स्पेसिफिक कैंपेन्स फॉर द हॉलीडे विंटर सीजन के लिए। यस, अभी आ रहा है ईस्टर है, इसके बाद में क्रिसमस है, न्यू ईयर्स ईव है, तीन बड़े इवेंट्स हैं। देयर यू कैन डू योर मार्केटिंग। मैम तुम ही एंटर करते हैं क्या? सो सेकेंड टाइप मैंने क्या बोला कि इट इज कैन बी सीजनल, ठीक है। जैसे कि अभी विंटर चल रहा है तो विंटर मोमेंट मार्केटिंग, बेसिकली अभी मोमेंट में जो कुछ भी चल रहा है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज मोमेंट मार्केटिंग। सो फर्स्ट वॉज आर प्रोडक्ट और आर सर्विस, ठीक है। सेकेंड आई टोल्ड यू अबाउट मोमेंट, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से कि इंडिया में सबसे फेमस क्या होता रहता है, स्पोर्ट्स, ठीक है, बाद में बॉलीवुड, थर्ड इज पॉलिटिक्स। ये छोड़ के अगर कुछ भी ट्रेंडिंग हो रहा है, लेट्स से चंद्रयान 3 बीच में हो गया, वी बिकेम सक्सेसफुल, सो एवरीवन क्रिएटेड अ कंटेंट बेस्ड ऑन दैट, राइट। जैसे कि राम मंदिर इज गोना गेट इनॉग्रेटेड, सो दे कैन बी सम कंटेंट बेस्ड ऑन दैट। यस, अब हर एक ब्रांड के लिए डिफर करता है। जैसे मेरा कुर्ता कंपनी है तो मैं तो राम मंदिर के लिए ऐड बनाऊंगा, अगर मैं कैल्विन क्लाइन हूं तो मैं करूंगा कुछ नहीं, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं वैलेंटाइन हूँ, ठीक है, विल आई डू एनी काइंड ऑफ ऐड ड्यूरिंग राम मंदिर, नो, राइट। मेरे लिए वो ब्रांड, मेरे लिए वो इवेंट मैटर नहीं करता। सो डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे बैठता है, एंजॉयमेंट में है, एसेंशियल में है, या कहाँ पे है, ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर विल बी मोमेंट मार्केटिंग। एनी काइंड ऑफ न्यूज, एनी काइंड ऑफ ट्रेंडिंग थिंग्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर गोना हैपन, उसके ऊपर होता है मोमेंट मार्केटिंग। उसके बाद है यूजर, यूजीसी, ऑल्सो कॉल्ड एज यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट। क्या होता है यूजीसी? इन यूजीसी बेसिकली योर फॉलोअर्स और योर कंज्यूमर्स आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर यू। होते हैं ना चैलेंजेस विच पीपल डू, अमूल का एक लाइव कुकिंग शो चैलेंज चल रहा है कि यू हैव टू जस्ट अपलोड अ वीडियो विथ अमूल्स प्रोडक्ट, ठीक है, एक रेसिपी बनानी है, उसके अंदर अमूल के प्रोडक्ट यूज करने हैं और उसका वीडियो अपलोड करना है। वो अमूल के फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड होता है एंड दे आर मेकिंग अ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। 2021 से चल रहा है, इट्स बीन 2 ईयर्स दैट कैंपेन इज गोइंग ऑन, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है उनका, 2 साल से कैंपेन चल रहा है, कैंपेन काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड एज यूजीसी। बाद में देखा होगा आपने, बहुत बार आप रिमिक्स करके भेजते हो आपके इन्फ्लुएंसर्स को उन्हीं के रील्स, दैट इज ऑल्सो यूजीसी, राइट। बाद में टेस्टमोनियल्स इज ऑल्सो यूजीसी, कि आपके यूजर आपके लिए कंटेंट बना के पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाद में लेट्स से आप जब करते हो ना फैशन के वीडियोस बनाते हो ना, हे आई बॉट दिस लीवाइज बॉयफ्रेंड जीन्स एंड आई एम गोना डू अ रिव्यू ऑन इट टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लड़कियां बनाते हैं ना वीडियोस, हाँ ना,
फैशन के डीआईवाई मेकअप वीडियोस, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, उसके बाद एम्बेसडर पोस्ट, मतलब तुम्हारा जो कोई भी ब्रांड एम्बेसडर है, हुएवर दैट हू यू हैव हायर्ड, ठीक है, उनके साथ आप पोस्ट बनाओगे, उनके प्रोफाइल के साथ आप शेयर करोगे ना पोस्ट को, तो उनके फॉलोअर्स को भी आपका कंपनी का एड दिखेगा, ये सुन लो, तो क्या हो जाएगा, वो उनका फॉलोअर आपको शेयर हो जाएगा ना, यू विल गेट द क्रेडिट ऑफ द फॉलोअरशिप, दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ कॉन्टेंट। ठीक है, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेस्टिव पोस्ट, ये हर महीने चलते रहते हैं, जैसे दिसंबर में क्या क्या फेस्टिविटीज है, 25 दिसंबर, न्यू ईयर्स ईव, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे, हाँ, ईस्टर डे होता है ना सब ये, तो ये सब क्या है फेस्टिविटीज, दिवाली का पोस्ट, मकर संक्रांति का पोस्ट, हर एक ब्रांड कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता है ना ड्यूरिंग द इवेंट्स। इंडिया में तो बहुत ज्यादा मैटर करते, 3 मुहूर्त पे बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, राइट, वो जो 3.5 मुहूर्त होते हैं, एक तो पाड़वा है, एक अक्षय तृतीया है, और तीसरा क्या है, दशहरा ना, दशहरा, और एक आधा कोई तो एक है मुहूर्त, हाँ, तो ये सब फेस्टिविटीज के पोस्ट होते हैं, सो टाइप्स ऑफ पोस्ट है। इफ यू वॉन्ट मोर रेफरेंस यू कैन जस्ट वॉच एंड गो थ्रू गूगल टाइप्स ऑफ पोस्ट। अभी आपको सैटरडे संडे करना क्या है, ठीक है, धनश्री, कुणाल, संदीप, श्रुति, अनुजा, ज्ञानदा एंड अभिषेक, पे अटेंशन, ये अभी आपका जो ब्रांड है ना उनके लिए आपको 8 दिन का कंटेंट का प्लानिंग करना, 8 डेज, लाइक आपको टेबल बनाना है मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे, मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे को आप उनके लिए क्या प्लान कर रहे, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर यू प्लानिंग ऑन मंडे, वो आपको उसे। अरे सर आवाज कम आ रही है आपकी, यस आवाज कम आ रही है मुझे, अभी आ रही है क्या? हाँ सर। तो आपको ऐसा प्लान करना है कि मंडे को क्या क्या कंटेंट जाएगा, इंस्टा और फेसबुक पे क्या कंटेंट जाएगा, यूट्यूब पे क्या जाएगा, या यूट्यूब पे हफ्ते में एक ही कंटेंट जाएगा, ऑल इन योर हैंड, आपको चॉइस लेना है, आपको डिसीजन लेना है, आपने अपना ब्रांड सिलेक्ट कर लिया है, आपने उनको ऑब्जर्व किया है, टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट किया है, आज हमने डिस्कस भी किया है कि कैसे हम लोग क्या क्या आइडियाज कर सकते हैं, प्लस वी हैव ऑल्सो सीन द टाइप्स ऑफ पोस्ट। अभी आपको सिर्फ एक प्लानिंग करना, लेट्स से रॉयल एनफील्ड, तो मंडे को क्या जाएगा, ट्यूजडे को क्या जाएगा, इन्फ्लुएंसर का पोस्ट कब जाएगा, इन्फ्लुएंसर से रील कब लूंगा, वेडनेसडे को लूंगा या फ्राइडे को लूंगा, ताकि सैटरडे संडे को लोग ज्यादा देखेंगे, इंसान उनके एल्गोरिथम याद में रखना, तो ये सब चीजें आपको फोकस रखनी है, और आपको ये काम करना है सैटरडे संडे एंड मंडे विल मीट अगेन, ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड, आपको एक हफ्ते का सोशल मीडिया प्लान बनाना है आपके ब्रांड का, ठीक है, प्लम का एक हफ्ते का नारदा करेंगे, लॉरियल का अनुजा करेंगे, पुमा का कुणाल और अभिषेक करेंगे, ठीक है, श्रुति विल डू फॉर कैल्विन क्लाइन, ठीक है, धनश्री विल डू फॉर अरमानी, ठीक है, सो ऑल दीज ब्रांड यू आर गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन, अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, मुझे अंडरस्टूड एवरीवन, किसी को और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, ठीक है, संदीप, धनश्री, आर ओके विद इट, एनीवन एल्स, अनुजा, यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी गाइडेंस, एनीथिंग, ज्ञानदा, यस, कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, कोलैबोरेशन में देखा है ना, तुम्हें त्यांचा प्रोफाइल से फॉलोअर्स यूज करता है, ठीक है, आणि स्पॉन्सर्ड मध्ये काय असतं किंवा पेड पार्टनरशिप मध्ये काय असतं की तुम्हीच कॉन्टेंट बनवता, कुणासोबत कोलॅबरेट नाही करत, आणि तुमच्या कॉन्टेंटच्या त्यांचं प्रोडक्ट किंवा सर्विस तुम्ही यूज करून त्याची याच्या जाहिरात करते, लेट्स से प्राजक्ता कोहली मीवी स्पीकरची जाहिरात करते, जो ब्रांड है ना मीवी, उसका वो ऐड कर दी, तो वो अपने रील के अंदर बना रही है, हाँ ना,
तो वो हो गया स्पॉन्सर्ड या पेड पार्टनरशिप। एंड कोलैबोरेशन में क्या होता है, लेट्स से कि अनुजा एक इन्फ्लुएंसर है और निहारदा भी इन्फ्लुएंसर है, उन दोनों ने मिलकर एक रील बनाया और दोनों के फॉलोअर खुश, दोनों एक दूसरे के फॉलोअर्स देख रहे हैं, तो क्या मिलेगा उनको, बेसिकली रीच ज्यादा मिलेगा ना, वो हो गया कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट मीन्स यू आर वर्किंग विद अनदर आर्टिस्ट, ठीक है। एंड पेड पार्टनरशिप मीन्स यू आर हेल्पिंग अ ब्रांड रीच मोर ऑडियंस थ्रू योर कॉन्टेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, यहीं पर रुकते हैं आज, वील मीट ऑन मंडे। अगर किसी को भी कुछ डाउट होगा फील फ्री टू मैसेज मी, इफ आई एम फ्री आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है।